If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography Class 12. So hello everyone, this is the third part of the chapter Population, Distribution, Density, Growth and Composition. For the first and second part, you can watch video whose link is available in the description box. In this part, I cover the topic of population composition and promoting gender sensitivity. And if you want to copy the notes, you can download them from the link available in the description box. So here you can see the last heading of population composition. In this chapter, we discussed only four aspects of population composition of India. देखिए population composition का means है कि population में क्या include है. If हम define करें the word population को तो वो क्या होगा? So population is simple peoples of the country. लेकिन वो किस तरीके से हम उनको divide कर सकते हैं? So बहुत से basis हैं जिन basis पर हम किसी भी country के लोगों को decide कर सकते हैं. उनके profession के basis पर, उनके color, उनके gender, religion, caste. कि बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जिन बेसिस पर हम कंट्री के पीपल्स को डिवाइड कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन को कंपोज करते हैं. लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ फोर एस्पेक्ट्स ही पॉपुलेशन कंपोजिशन के शो किए गए हैं. फर्स्ट है रूरल अर्बन कंपोजिशन, यानी कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बेसिस पर पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है. लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया में, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए लैंग्वेज के बेसिस पर इंडियन पॉपुलेशन का कंपोजिशन शो किया गया है. रिलीजियस कंपोजिशन, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिलीजन है. एंड द लास्ट इज कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो लोग काम करते हैं टोटल पॉपुलेशन में से, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग काम नहीं करते हैं. बहुत इंडिया में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है. सो इस बेसिस पर पॉपुलेशन कंपोजिशन इस चैप्टर में शो किया गया है. सो फर्स्ट आता है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, जिसमें फर्स्ट है रूरल कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय प्लेस्ड ऑफ रेसिडेंस बिकम सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री हैविंग 68.8% ऑफ रूरल पॉपुलेशन. एज यू नो, रूरल पॉपुलेशन और यू कैन से रूरल एरियाज, जो हमारे कंट्री साइड के एरियाज हैं, विलेजेस होते हैं, उन्हें हम रूरल एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पर फार्म्स होते हैं. एंड अर्बन एरियाज़, जहाँ पर जो कि सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ होते हैं. सो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के बेसिस पर, और यू कैन से जहाँ पर लोग रहते हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पर पॉपुलेशन कंपोजिशन देखना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज इंडिया में 68.8% जो पॉपुलेशन है, वो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जो कि विलेजेस में रहती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया. पूरे इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक जैसा नहीं है. यानी कि किसी स्टेट में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो किसी स्टेट में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है. सो यही यहाँ पर कहा गया है. स्टेट्स लाइक बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, वाइल गोवा एंड महाराष्ट्र हैव वेरी लो. ये इम्पॉर्टेंट लाइन है. बिहार और सिक्किम ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और रीज़न है क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होती है, इसलिए बिहार एंड सिक्किम जैसे स्टेट्स में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है. जबकि गोवा एंड महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में अर्बन पॉपुलेशन हाई है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इफ़ हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, सो दादरा एंड नागर हवेली को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है. जिस तरीके से रूरल पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं है कंट्री में, इसी तरीके से विलेजेस का साइज़ भी यूनिफॉर्म नहीं है. यानी कि कहीं पर विलेजेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, कहीं पर विलेजेस छोटे छोटे हैं. नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्ट राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट गुजरात में जो
200 पर्सन से भी कम एक विलेज में रहते हैं, यानी कि एक गांव में 200 लोगों से भी कम लोग इन एरियाज़ में रहते हैं, जबकि केरला और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में 17,000 लोग एक सिंगल विलेज में रहते हैं. इट्स एग्जामिनेशन रिवील्स दैट रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन लोअर डाउन द रूरल पॉपुलेशन. लेकिन टाइम टू टाइम हमारी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है और रूरल पॉपुलेशन कम हो रही है इंडिया में, और इसका रीज़न है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन है, जो लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन करते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में इस वजह से, और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यही रीज़न्स हैं कि रूरल पॉपुलेशन इंडिया में कम हो रही है. सेकेंड आता है इसमें हमारा अर्बन कॉम्पोजिशन, यानी कि अर्बन एरियाज़ का पॉपुलेशन कम्पोजिशन. इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 31.16% है अर्बन पॉपुलेशन, 68.8 हमारी रूरल की हुई, तो रेस्ट जितनी भी है दैट इज़ 31.16 इज़ अर्बन पॉपुलेशन. अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ओवर द डिकेड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रीजंस मैंने अभी डिस्कस किए. एंड एक और रीज़न आ जाता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हेल्थ कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट है, यानी कि जो जो फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं वो सब अर्बन एरियाज़ में हो रही हैं, जिस वजह से रूरल एरियाज़ से लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं. जिस तरीके से रूरल पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं है कंट्री में, साइज़ ऑफ विलेजेस यूनिफॉर्म नहीं है, इसी तरह से अर्बन पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म नहीं होती है, कहीं पर ज़्यादा होगी कहीं पर कम होगी. सो जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब के आसपास के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल रीजन से, वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि तेलंगाना, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, यानी कि ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड बिहार के अंदर और वेस्ट राजस्थान में जितने भी फ्लड प्रॉन एरियाज़ हैं, पेनिनसुलर एरियाज़ स्टेट्स के जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, बिहार के अंदर ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लड आता है, सो यही रीज़न है वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन कम है. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हमारा सेकंड आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया का पॉपुलेशन डेटा. सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. एज यू नो इंडिया में इतनी भाषा हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, और यही रीज़न था जब इंडिपेंडेंस के बाद एक ऑफिशियल लैंग्वेज का सेटअप होना था तो इंडिया में एक ऑफिशियल लैंग्वेज हम सेटअप नहीं कर पाए, बिकॉज हिंदी हमारी 40% पर्सन ही स्पीक करते हैं. सदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते. इंग्लिश को हम नहीं बना सकते क्योंकि हर जगह इंग्लिश भी नहीं चलती है, सो इसलिए इंग्लिश और हिंदी इनको दो लैंग्वेज के तौर पर इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है. हिंदी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीकर्स इंडिया में हिंदी के ही हैं, और बाकी जहाँ पर हिंदी नहीं चलती है वहाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसलिए इंग्लिश को एज द सेकेंड लैंग्वेज इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए अडॉप्ट किया है. ग्रीसन सर्वे इंडिया में जो हुआ था वो बताता है कि इंडिया में 179 लैंग्वेजेस हैं और 54 डायलैक्ट्स, यानी कि 544 लिपियाँ हैं. लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें एक लैंग्वेज पूरा डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडिया की जब उसमें शो की गई तो 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है जिसमें सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को ही आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है. सिर्फ 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहाँ जिसमें आप कोई भी प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर सकते हैं, एंड उसके बाद नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इतनी आ जाती हैं जो इंडिया में बोली तो जाती हैं लेकिन आप उसमें कोई अपना नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते रिटन फॉर्म में, आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू हिंदी स्पीकर्स इंडिया में हाईएस्ट हैं, जबकि संस्कृत, बोडो, मणिपुरी, ये तीन ऐसी लैंग्वेज हैं जिनके स्पीकर इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हैं, इनको बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हैं.
द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू फोर लैंग्वेज फैमिलीज विच हैव सब फैमिलीज इन ब्रांचेस। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ये पूरा जो टेबल है इसको लर्न करना पड़ेगा। सो इंडिया के जो मुख्य भाषाएं हैं इंडिया की, जैसे मैंने अभी बताया 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो ये जितने भी लैंग्वेज हैं ये फोर फैमिलीज से निकली हैं, यानी कि इनका भी इवोल्यूशन कहीं ना कहीं से हुआ होगा। तो फोर ऐसे फैमिलीज हैं, देन उनके सब फैमिलीज हैं, और कैन से उन्हीं से निकली हुई और भाषाएँ, देन उनसे निकली हुई और भाषाएँ। तो ये एक पूरी तरीके से इवोल्यूशन है लैंग्वेजेस का, जो कि आपके बुक में एक टेबल के थ्रू शो किया गया, और ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। सो हेयर इज़ दैट टेबल, ये वो टेबल है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का। तो फोर फैमिलीज आती हैं, ऑस्ट्रिक जो कि 1.38% है इंडिया में, ड्रेविडियन जो कि 20% है, सिनो तिब्बतन जो कि 0.85% है, इंडो यूरोपियन जो कि 73% है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस साल के सैम्पल पेपर में भी था कि सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। सो दैट इज़ इंडो यूरोपियन, जिसे हम आर्यंस की लैंग्वेज भी कहते हैं। देन इनके आप सब फैमिलीज देख सकते हैं, ब्रांच देख सकते हैं, और स्पीच एरियाज़ यानी कि किन स्टेट्स में किन एरियाज़ में ये लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो स्पीच एरियाज़ में आप सिर्फ हर एक ब्रांच का, हर एक फैमिली का एक ही स्टेट नेम याद रखें, और वो कॉमन है आई थिंक कुछ ब्लॉक्स में, तो वो कॉमन करके याद करेंगे तो हमारे लिए वो ये टेबल याद करनी इजी हो जाएगी। अब हमारा थर्ड है रिलीजियस कॉम्पोजिशन, यानी कि रिलीजन के बेसिस पर। देखिए इंडिया में लैंग्वेज की तरह रिलीजन भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन है हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियंस, उसके बाद आता है हमारा सिख, जैन, बुद्धिस्ट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिलीजन हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिया में रिलीजन्स हैं। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया शोज़ दैट सम स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वन रिलीजन एंड ऑफ द अदर वॉज नेग्लिजिबल। तो रिलीजियस कॉम्पोजिशन ये शो करता है कि कुछ स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में किसी एक रिलीजन की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे रिलीजन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। सो बुक में हमें सेपरेट शो किया गया है और मैंने उनको हेडिंग्स में कन्वर्ट किया है। सो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदूज़ क्या। दे कॉन्स्टिट्यूट 70-90% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। सो सबसे ज़्यादा इंडिया में जिस रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं दैट इज़ हिंदू। 70-90% जो भारत की जनसंख्या है वो हिंदू धर्म के लोगों की है। बट दे आर नॉट फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स अलॉन्ग इंडो बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वैसे तो इंडिया में हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पर हमें हिंदू पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है यहाँ पर हमें हिंदू की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद जो हमारा पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट है, इसके बाद जो हिल स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमें हिंदू पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। दे मोस्टली स्कैटर्ड इन द एरियाज़ ऑफ दक्कन प्लेट्यू एंड गंगा प्लेन। तो ये गंगा रिवर जो हमारे यहाँ से यहाँ फ्लो करती है, इसी एरिया में हमें हिंदू पॉपुलेशन मिलेगी, और जो ये पूरा हमारा दक्कनी पठार यानी कि जो हमारा दक्कन प्लेट्यू का एरिया है यहाँ पर ही हमें हिंदू पॉपुलेशन देखने को इंडिया में मिलेगी। सेकेंड रिलीजन आता है दैट इज़ मुस्लिम्स। दे आर द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। देखिए जब हिंदू ही 70-90% है तो बाकी जितने भी रिलीजन हैं वो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी हो जाते हैं, यानी कि उनकी संख्या जो है इंडिया में वो कम है। माइनॉरिटी का मीन्स है कि उनका जो संख्या है, उनकी जो नंबर है वो इंडिया में कम है। और माइनॉरिटी रिलीजन्स की बात करें, यानी कि जिन रिलीजन्स की पॉपुलेशन की संख्या कम है उनमें इस्लाम यानी कि मुस्लिम वो लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन जम्मू कश्मीर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरल, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इन एंड अराउंड दिल्ली एंड इन लक्षद्वीप एंड कश्मीर वैली। सो जो हमें मुस्लिम पॉपुलेशन है वो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, इसके बाद जो वेस्ट बंगाल के सेंट्रल स्टेट्स हैं जैसे मुर्शिदाबाद है, 24 परगना ईस्ट है,
केरल के जो इंटरनल स्टेट्स हैं, इनकी मिडिल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको उत्तर प्रदेश के मैप में शो करूं, सो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, इसके अलावा आपका मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, आज़मगढ़, आगरा, अलीगढ़, तो ये ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, जैसे आप अयोध्या में देख सकते हैं, मथुरा में, इसके बाद आपका आज़मगढ़ मैंने बताया, लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के जहाँ पर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है एंड कश्मीर वैली है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। नाउ थर्ड रिलीजन आता है क्रिश्चियंस, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें कि जो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है इंडिया में वो रूरल एरियाज़ में ही मोस्टली आपको देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियंस हैं वो हमारे गोवा के वेस्ट कोस्ट पर हैं, केरल एंड इन मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड छोटा नागपुर एरिया। हेयर यू कैन सी इन द मैप, जो गोवा का हमारा वेस्ट कोस्ट है, इसके बाद केरल का वेस्ट कोस्ट है, देन हमारा मेघालय स्टेट हो गया नॉर्थ ईस्ट में, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, तो ये वो स्टेट्स हैं, और जो ये छोटा नागपुर वाला एरिया है यहाँ पर आपको क्रिश्चियंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा फोर्थ रिलीजन है सिख रिलीजन, जो कि मेनली हमारे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर ही मेनली आपको कंसंट्रेटेड मिलेगा। फिफ्थ रिलीजन्स आते हैं जैन्स एंड बुद्धिस्ट, सो जो जैन्स एंड बुद्धिस्ट हैं ये हमारे स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, यानी कि इनकी संख्या इंडिया में बहुत ही कम है, और मेनली ये हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं गुजरात और महाराष्ट्र के जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं वहीं पर आपको जैन्स और बुद्धिस्ट, मेनली जैन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो बुद्धिस्ट रिलीजन की मेजॉरिटी है ये हमें सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लद्दाख एरिया है जो रिसेंटली अभी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनी है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति एरिया है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो ये हमारे मेन रिलीजन्स हैं और यही रिलीजियस कॉम्पोजिशन था इंडिया का। इसके अलावा और भी रिलीजन्स हैं, जैसे ज़ोरास्ट्रियंस हैं जिन्हें हम पारसी कहते हैं, पारसी लोग भी इंडिया में हैं, कुछ ट्राइबल और इंडिजीनियस फेथ्स बिलीव्स हैं, यानी कि जो हमारे इंडिया के ही बहुत पुराने विश्वास और भरोसा किन्हीं चीज़ों में लोग करते हैं, तो उनको भी वो एज अ रिलीजन ही कंसिडर करते हैं, और ये इंडिया के बहुत ही कम एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक हेडिंग आपको बुक में मिलेगी बॉक्स के अंदर, रिलीजन एंड लैंडस्केप, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी ह्यूमन और लैंड रिलेशनशिप को मेज़र करती है, ऐसे ही यदि हम बात करें कि लैंड के ऊपर, भूमि पर, लैंडस्केप पर हम रिलीजन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो जितने भी हमारे पवित्र ढांचे, सेक्रेड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टेंपल्स हैं, मस्जिद्स हैं, गुरुद्वारा है, चर्चेज हैं, जितने भी जिस रिलीजन के जो भी डिवोटी प्लेसेस हैं, श्राइन प्लेसेस हैं, वो ही लैंड पर हैं, क्योंकि वो तो इस तरीके से इन इन सेक्रेड स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो रिलीजन है वो लैंडस्केप पर एक्सप्रेस होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन में फोर्थ एंड लास्ट हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन को हम थ्री ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस है कि किस पर्सन के पास कितने फैसिलिटीज़ को अफोर्ड करने की कैपेसिटी है। एक होते हैं मेन वर्कर्स, एक होते हैं मार्जिनल वर्कर्स, एंड देन आते हैं नॉन वर्कर्स। सो मेन वर्कर्स वो पर्सन होते हैं जो कि एक साल में छः महीने के लिए काम कर लेते हैं। हियर यू कैन सी द मेन वर्कर्स होते हैं वो पर्सन जो कि एक साल में छः महीने तक के लिए काम कर लेते हैं, मार्जिनल वर्कर्स जो कि छः महीने से कम एक साल में काम करते हैं, एंड नॉन वर्कर्स इज़ दैट जो कि कोई काम करते ही नहीं है। सो इन थ्री ग्रुप्स में हम इंडिया के पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं।
इंडिया में प्रोपोर्शन ऑफ मेन और मार्जिनल वर्कर्स, यानी कि जो लोग काम करते हैं चाहे वो 6 महीने के लिए करें या उससे कम समय के लिए करें, जो करते हैं वो सिर्फ 39.8% है, जबकि जो लोग काम करते ही नहीं है, दैट इज़ जो नॉन वर्कर्स हैं, वो 60% है। तो ये शो करता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, 60% लोग भारत के अंदर बेरोज़गार हैं, ये शो करता है डेटा। द स्टेट्स विद हाई वर्किंग पॉपुलेशन आर, और जिन स्टेट्स में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है यानी कि काम करने वाले लोग जिन स्टेट्स में ज़्यादा हैं वो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, और यूनियन टेरिटरीज़ में आती है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ये वो स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन हाई है। आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले एरियाज़ हैं, ये वो स्टेट्स हैं जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हाई नहीं है। यहाँ रूरल पॉपुलेशन हाई है, इसलिए यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन हाई है, जबकि जो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स वाले एरिया हैं, एज आई टोल्ड यू, वहाँ पर पार्टिसिपेशन रेट वर्किंग पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हाई है। अब इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स में देखें, सो जो ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन है इंडिया की वो हमेशा की तरह प्राइमरी सेक्टर, इनके एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में हाई है, दैट इज़ 54.6%। सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 3.8% है एंड टर्शरी सेक्टर में है 41.6%। लेकिन ये डेटा एवरी ईयर एवरी मंथ चेंज होता है, सो ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। रिसेंटली हमारे इंडिया में टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट हाई सबसे ज़्यादा इस वक्त टर्शरी सेक्टर में है, देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। मेल पॉपुलेशन आउटशाइंस फीमेल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, एंड मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है फीमेल पॉपुलेशन से वर्किंग पॉपुलेशन में देखें तो। एंड हेयर यू कैन सी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन को, वर्किंग पॉपुलेशन को, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सो तीसरा आता है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कि सेकेंडरी सेक्टर से हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइमरी सेक्टर से हैं, और अदर वर्कर्स जो कि हमारे सर्विस सेक्टर से आते हैं। सो हमारा बेसिकली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 4 हेडिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, बट देर इज़ अ हेडिंग इन द लास्ट पेजेस पर आपके चैप्टर के, दैट इज़ प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मेल पॉपुलेशन वर्किंग में ज़्यादा है फीमेल से, मतलब मोस्टली कैटेगरीज़ में मेल फीमेल से इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। तो फीमेल पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, लिटरेट करने के लिए ये एक कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाया है। लेट्स हैव अ लुक। हियर यू कैन सी द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इज़ बिलीव्ड टू बी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल। देखिए पॉपुलेशन का, लोगों का मेल है फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर्स एंड अदर्स में है, तो ये नेचुरल माना जाता है कि ये नेचुरली है। Consequently, these biological differences become the basis of social differentiations, discriminations and exclusions. और इन्हीं biological reasons को कि भाई ये तो प्राकृतिक रूप से स्त्री है, ये पुरुष है या फिर ये others में है, so इन्हीं biological differences को social differentiation यानी कि समाज में विभाजन का, समाज में भेदभाव का और सामाजिक बहिष्कार का, exclusion का उनको reason बना दिया जाता है। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल्स बिकम्स अ सीरियस थ्रेट टू अ सिविलाइज्ड कंट्री। तो एक सभ्य देश के लिए, इंडिया जैसे सिविलाइज्ड कंट्री के लिए, फीमेल्स के साथ भेदभाव करना एक बहुत बड़ा खतरा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP declares this type of discrimination is a crime against humanity. सो जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के रिपोर्ट को पब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ UNDP, उसने कहा है कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल्स के ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स एंड गर्ल चाइल्ड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज़ हाई इन प्राइमरी सेक्टर
but in recent years their participation increases in secondary and tertiary sector. तो female workers की संख्या primary sector में बहुत ज़्यादा high है पहले से, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये secondary और tertiary sector में भी increase हुई है. चैप्टर के लास्ट पेज पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द वर्किंग पॉपुलेशन, सो लेट्स हैव अ लुक, जिसमें स्टेट्स को शो किया गया है कि डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी के किस स्टेट का मतलब क्या एक प्लेस है. सो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटर्स हैं. मैंने आपको ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज अभी बताई थी जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग थी, कल्टिवेटर्स, देन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउसहोल्ड वर्कर्स एंड देन अदर्स सर्विसेज. तो कल्टिवेटर्स सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में हैं. बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल लेबरर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं. देन दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं जो कि अदर सर्विसेज में एंगेज्ड हैं. सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि इंडियन इकोनॉमी में सेक्टोरल शिफ्ट टेक प्लेस हुई है, जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग तो टर्शियरी सेक्टर में है, देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी, बट एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अभी भी प्राइमरी ही ऑफर कर रहा है. सो हेयर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. सो होप यू लाइक दैट. सो हमारे लास्ट हेडिंग दैट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन इज़ कंप्लीटेड, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ये कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फॉर द फोर्थ पार्ट यू कैन वॉच वीडियो हुज लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.